अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ट्राइफल की रेसिपी, जिसका कस्टर्ड हम बनाएंगे स्क्रैच से। तो चलें स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे इसकी बेस, जिसके लिए हमें चाहिए होंगे 8 एग योक्स, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 टी स्पून ऑफ वनीला एसेंस एंड 6 टेबल स्पून ऑफ कॉर्नफ्लावर। इसमें जाएगा 4 कप्स ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ शुगर एंड 4 टेबल स्पून ऑफ अनसॉल्टेड बटर। ट्राइफल में हम ऐड करेंगे पाउंड केक के स्लाइसेस। मैंने लिए हैं 2 मिनी पाउंड केक, ये मैं बेकरी से लेकर आई थी। आप चाहें तो घर में बनाकर भी यूज कर सकते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 20 मिनी स्लाइसेस हैं। इसमें जाएगा 1 कैन कॉकटेल का और इसमें हम ऐड करेंगे जेली। मैंने ली है रेड एंड ग्रीन जेली, आप अपनी मर्जी की कोई सी भी जेली इसमें यूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ले लिया है एक पॉट और मैंने उसकी फ्लेम ऑन कर दी है। अब इसमें मैं ऐड कर लूंगी 4 कप ऑफ मिल्क, साथ ही में इसमें ऐड कर दूंगी शुगर और इसको हम बॉईल आने तक कुक करते जाएंगे। साथ साथ मैं इसे स्टर करूंगी। साइड बाय साइड मैं मिक्सिंग बोल में ऐड कर दूंगी एग योक्स, इसमें चला जाएगा मिल्क और इसमें मैं ऐड कर दूंगी कॉर्नफ्लावर और साथ चला जाएगा इसमें वेनिला एसेंस। इसको विस्क की हेल्प से अच्छे से कंबाइन कर लेंगे ताकि कॉर्नफ्लावर के जितने भी लम्स हैं वो रिमूव हो जाए। जैसे ही हमारे मिल्क में बॉयल आ जाएगा तो हम एग योक का मिक्सचर मिल्क में ऐड कर देंगे। हमारा मिक्सचर बॉयल हो रहा है, जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसमें एग योक का मिक्सचर ऐड कर दूंगी। मिक्स कर रही हूँ ताकि शुगर अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाए। मिल्क में बॉयल आ गया है, अब मैं ग्रेजुअली जो है अपना एग योक का मिक्सचर इसमें ऐड करूंगी और साथ साथ जल्दी जल्दी इसे स्टर करती जाऊंगी विद द हेल्प ऑफ अ विस्क ताकि इसमें लम्स ना बने। इसे हमने कॉन्स्टेंटली स्टर करना है लो फ्लेम के ऊपर ताकि जो हमारा कस्टर्ड है वो थिकन अप होना शुरू हो जाए। इसको ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स लगे हैं थिकन अप होने के लिए। हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया है। अब लास्टली मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। बटर ऐड करने का पर्पस ये है कि इसके ऊपर जो थिक सी स्किन बन जाती है वो नहीं बनेगी। अब हम कस्टर्ड को थोड़ा सा कूल डाउन होने देंगे, उसके बाद इसे असेंबल करते हैं। अब हम कस्टर्ड को असेंबल करते हैं। सबसे पहले मैं बेस पे लगाऊंगी पाउंड केक। अगर आपको बिस्किट्स पसंद है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, बट ट्राइफल में केक ही ज्यादा अच्छा लगता है। अब इसमें ऐड कर दूंगी कस्टर्ड। कस्टर्ड जो है थोड़ा सा वार्म ही डालूंगी मैं केक के ऊपर ताकि केक थोड़ा सा जो इसका लिक्विड है उसको एब्जॉर्ब कर ले। जेली को मैंने फ्रिज में रख दिया है सेट होने के लिए। जैसे ही हमारा कस्टर्ड कूल डाउन हो जाएगा हम इसे जेली से डेकोरेट कर लेंगे। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी कॉकटेल। हमारा कस्टर्ड कंप्लीटली कूल डाउन हो चुका है और जेली भी सेट हो गई है। अब मैं जेली से इसे डेकोरेट कर लूंगी। कस्टर्ड बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल स्टोर बॉट जैसा लगता है और इसमें कोई एग योक की स्मेल नहीं आती सिंस हमने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड किया है। एंड यू कैन सी बाय योरसेल्फ कि ये कितनी जल्दी तैयार हो जाता है। एंड आवर ट्राइफल इज रेडी। आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप ट्राई करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। आई बी मीटिंग यू गाइस इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।